नमस्ते, वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मैं डिंपल शर्मा आपको आज एक नई टिप देने जा रही हूँ कपूर के ऊपर। कपूर के ऊपर यानी कपूर हमारे बहुत पुराने जमाने से प्रचलित है कि कपूर के द्वारा बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। तो पहले जमाने में कहा जाता था कि शाम को सूर्यास्त के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। आरती में भी कपूर का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। आजकल हम लोग जो हीलर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि कपूर को जलाना तो ठीक है कि जलाने से किसी भी चीज में कार्बन बनता है, तो जलाने की बजाय अगर हम उसको गर्म करके और जो उसका वेपराइजेशन होता है उसके द्वारा अगर हम अपने वातावरण को शुद्ध करें तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इसके लिए आजकल मार्केट में या सभी हीलर्स के पास अलग अलग तरह के कपूर के बर्नर्स, कैम्फर बर्नर्स, एरोमा बर्नर्स बहुत सारे आजकल बाजार में प्रचलित हैं। आप चाहे जिस भी तरह के कपूर के आप डिस्पेंसर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने कुछ डिस्पेंसर्स लगाए हुए हैं जिसमें कि वुडन का भी है और सिरेमिक के भी हैं, और इसमें ये सभी बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही यूज करने में आसान है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और वायरलेस है, इसमें वायर का यूज नहीं किया गया है। और कुछ लोग जो यूज करते हैं वो टी लाइट के भी बर्नर्स यूज करते हैं। तो इसे किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको पूरा डेमो में दिखाऊंगी कि इस तरह से आपको इसको प्लग इन करना है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कपूर जलाने के लिए वुडन का लैंप है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है कि आपको इसको सिर्फ गुड नाइट लैंप की तरह से लगा देना है स्विच बोर्ड में और ये 5 मिनट में गर्म हो जाता है। इसके ऊपर आपको इस तरह से ये जो कपूर के टैबलेट्स हैं इसको यहाँ पे प्लेस करना है सिर्फ, और ये 5 मिनट के अंदर ही पूरा गर्म हो जाएगा। आप चाहे तो और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह के ये सिरामिक के बर्नर्स यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी है एक्चुअली। आजकल बाजार में बहुत ही हैंडी चीजें आ गई हैं, वायरलेस भी होते हैं लेकिन उसको हमें एक पर्टिकुलर जगह पर प्लेस करना पड़ता है। और कुछ हीलर्स ये भी यूज करते हैं लेकिन इस तरह के बर्नर यूज करने में क्या होता है कि हमें हमेशा एक टी लाइट कैंडल इस तरह की चाहिए। उस कैंडल को हमें बर्न करना है यहाँ से और उसके बाद इसको यहाँ अंदर इसको प्लेस कर देना है यहाँ इस तरह से। फिर ये कैंडल बर्न करने के बाद में यहाँ ये गर्म होगा और इसके ऊपर हमें कपूर की कुछ गोलियां इस तरह से रख देनी है और इसका इवेपोरेशन होगा। जो इवेपोरेशन होगा वो हमारे पूरे एनवायरमेंट को क्लीन कर देगा। अब आपके पास इस तरह का कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको कपूर की चार चार गोलियां लेनी है और चार चार गोलियां लेके आप अपने घर में हर जगह पर हर कॉर्नर में रख सकते हैं। कॉर्नर्स में रखना है, कॉर्नर में नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसे कॉर्नर में रखें। और इसके लिए आप कर सकते हैं कपूर से आप नजर भी उतार सकते हैं। अगर आपके ऑरा में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप कपूर की दो चार गोलियां लें, उन गोलियों को क्रश कर ले, पीस लें किसी भी चीज से, हल्का सा ये बहुत जल्दी पीस जाता है, इसे पीस लें। इसके अंदर थोड़ा सा नमक मिला लें और नमक मिलाने के बाद में इसको हाथ में इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद इसको पूरा पैरों से लेके और सिर से घुमाते हुए इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। इसे आप जिस इस तरह से घुमाएंगे तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जो हमारे ऑरा में होती है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होती है, वो सारी इसमें आ जाएगी। इसके बाद आप इस कपूर को चाहें तो घर के बाहर जाके इसको जला सकते हैं या फिर इसे कहीं भी फ्लश आउट कर सकते हैं। तो कपूर और नमक के साथ आपका ऑरा बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। किसी को नजर लगी हो, हेडेक होता है बार बार नजर लगने से, किसी को ऐसा फील होता है या चक्कर आते हैं, कभी कभी ऐसा लोगों को होता है कि भाई बार बार हमारे को नजर लगती है। नजर लगने की मेन वजह होती है कि उनका ऑरा बहुत वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है जिसकी वजह से उन्हें बार बार नजर लगती रहती है। तो इसके लिए वो चाहे तो हर रोज शाम को भी अपनी नजर उतार सकते हैं या शनिवार के दिन शाम को इस तरह से कपूर और नींबू के द्वारा कपूर और नमक के द्वारा नजर उतार सकते हैं। या फिर आप चाहे तो अपने घर में हर रोज अपने इस तरह के बर्नर्स यूज करिए और इसके अंदर रोज शाम को सुबह में
दो चार कपूर की गोलियां डाली और जो इवेपोरेशन होगा ऑटोमेटिकली आपके घर का वातावरण एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इतना सूदिंग इतना क्लीन हो जाएगा कि आपको ही एकदम अच्छा लगने लगेगा। तो ये आज कपूर के ऊपर मैंने आपको टिप बताई। मैं डिंपल शर्मा यहाँ से विदा लेती हूँ और नई टिप के साथ अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।